गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेकंड प्रॉब्लम सीखेंगे जिसमें रेक्टेंगल 30 बाय 50 का है और रेस्टिंग ऑन एच पी है। ध्यान से देखिए, रेस्टिंग ऑन एच पी है और वो स्मॉल साइज साइड पे खड़ा हुआ है। 30 डिग्री वीपी के साथ एंगल है, 45 डिग्री एचपी के साथ एंगल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये रेस्टिंग ऑन इट साइड है और वीपी के साथ 30 डिग्री का और एचपी के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एक रेक्टेंगल दिया गया है तो वो रेस्टिंग ऑन किसका है, एचपी का प्रॉब्लम है, ओरिजेंटल प्लेन का। और सब टाइप में कौन सा है, रेस्टिंग ऑन साइड पे दिया हुआ है, कॉर्नर वाला प्रॉब्लम नहीं है, रेस्टिंग ऑन एचपी का प्रॉब्लम है और रेस्टिंग ऑन साइड पे है। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, इनिशियल स्टेज एचपी का एंगल और उसके बाद वीपी का एंगल लेना होता है। तो आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं दोस्तों। तो पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक्स वाई लाइन मैंने बना लिया है, एक परपेंडिकुलर ले लेंगे एक्स वाई लाइन के लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर यहाँ से 50 मिलीमीटर का साइड है, ये कितना है डिस्टेंस, 50 मिलीमीटर। तो मैंने एक दो प्रोजेक्शन निकाल लिया है 50 50 मिलीमीटर के, क्योंकि साइड कौन सा है, शॉर्ट साइड दिया गया है, शॉर्ट 50 और 30 में से 30 होता है। तो ये 30 वाला साइड बन चुका है, अभी यह 50 वाला साइड बनेगा। तो यह 30 बाय 50 का रेक्टेंगल हो चुका है और आप डायमेंशन यूनिडायरेक्शनल में भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिया है। पता कैसे चलेगा कि इसी तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रेक्टेंगल एचपी के ऊपर उसकी शॉर्ट साइड पे खड़ा है, शॉर्ट साइड यानी 30 पे खड़ा है। तो ये ए बी है, वो शॉर्ट साइड है। ठीक है, ये ए बी, तो ए बी पे 30 पे खड़ा हुआ है, इसीलिए ये आकृति बनती है। तो ये एरो हेड आपको देना है, जैसे फील वाला एरो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू, जो कि एक लाइन आएगा एक्स वाई लाइन के ऊपर ही। आपको खाली 2H से डार्क करना है, ये ए डैश बी डैश आ गए 2 पॉइंट, और उधर सी डैश डी डैश आ गए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एचपी का एंगल देखना है। तो एक पॉइंट लेंगे, अभी क्वेश्चन में देखेंगे कि एचपी के साथ कितना एंगल बनता है। पहले इनिशियल स्टेज कीजिए, फिर एचपी का एंगल लीजिए, फिर वीपी का एंगल लीजिए, ये सीक्वेंस को याद रखें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले इनिशियल स्टेज, फिर एचपी का एंगल, तो एचपी का एंगल, फिर वीपी का एंगल। तो ये दोस्तों हमारा सीट नंबर 6 का ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, एचपी का एंगल है, एचपी एंगल इज 45 डिग्री दिया गया है। तो एचपी का एंगल कहाँ दिखेगा दोस्तों, वीपी में। वीपी में क्या होता है, फ्रंट व्यू, यानी आपको फ्रंट व्यू को 45 डिग्री पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने 45 डिग्री का प्रोजेक्शन लाइन बना दिया है। अभी आपको इसमें एंगल दिखाना है कि भाई ये 45 डिग्री है। अभी आपको रेडियस ए डैश से डी डैश तक का है, जैसे मैंने दिखाया वैसे ठीक लेना है, जो कि 50 होगा, और आपको ऐसे ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया वो आर्क लगानी पड़ेगी। तो ये बेस के पॉइंट हो गए ए डैश बी डैश, और ऊपर वाले दोनों पॉइंट हो गए सी डैश डी डैश, और 2H के आपको इतना पोर्शन डार्क करना पड़ेगा। अभी क्या करना होगा, रेक्टेंगल में से राइट साइड प्रोजेक्शन लाइन निकालनी होगी। दो प्रोजेक्शन लाइन राइट साइड में निकलेगी, और ये जो दूसरा स्टेज का फ्रंट व्यू है उससे उससे नीचे प्रोजेक्शन लाइन निकालनी पड़ेगी, और आपको एरो हेड भी देना होगा। ये फ्रंट में से टॉप में जाता हुआ डाउनवर्ड एरो, और ये राइट में जाता हुआ राइटवर्ड एरो। तो ए और ए डैश मिलते हैं वो पॉइंट ए, बी बी डैश मिलते हैं वो पॉइंट बी। ठीक है, फिर क्या, किसकी बारी आएगी, सी की आएगी, फिर डी की आएगी। तो ये आपको स्क्वायर मिल गया, वो आपको 2H से डार्क करना है। ठीक है, जो पेंसिल का वर्क है वो आपको 4H से करना है वीडियो में, और जो बॉल पेन से मैंने वर्क किया है वो आपको 2H से करना है।
अभी आपको करना होगा वीपी का एंगल, वीपी का एंगल कितना है, ठीक है, एक आपको रेफरेंस पॉइंट रेंडमली लेना है, दूसरों की सीट में ना जाए इतना डिस्टेंस पे, और वो एंगल है 30। क्वेश्चन में वीपी के साथ एंगल प्लान बना रहा है, वो एंगल 30 है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल बहुत छोटा है, तो उसमें आपको ये टॉप व्यू स्क्वायर है वो कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं सिखाता हूँ कैसे करेंगे, ये ए बी सी डी जो छोटा स्क्वायर बना है उसको आपको थोड़ी दूरी पे ऐसे लेना है, ठीक है। तो ए बी तो आप बना सकते हो, वो 30 का होगा ए बी। फिर कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको ए के पास डिग्री प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा, और 90 डिग्री पे आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से आपको एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके पैरेलल बी में से एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, ए से डी तक का रेडियस, ये दोनों प्रोजेक्शन 90 डिग्री पे बनने चाहिए, और ए से डी वाला जो रेडियस है वो आपको लेना पड़ेगा, और ए को सेंटर में रख के एक आर्क लेना पड़ेगा, फिर बी को सेंटर में रख के एक आर्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी जितना आएगा उतना ही ए डी आएगा, ठीक है। आप बिंदास आप ए से डी तक का रेडियस ले ले और ए को सेंटर में रख के आर्क बना दे, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं। इसमें दोस्तों वीपी के एंगल में प्लान को सेट करना होता है, मतलब कॉपी पेस्ट वर्क ही है, ये आर्क लगा दिया और ये बी से सेंटर में लेके आर्क लगा दिया, और यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे, ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो ये आपका चौरस बन चुका है, ये प्लान हमारा 30 डिग्री पे एडजस्ट हो गया है। आपको नामकरण करना है, तो टॉप व्यू के सारे नाम बिना डैश से आते हैं और फ्रंट व्यू के नाम सारे डैश के साथ आते हैं। तो ए में से प्रोजेक्शन ऊपर की ओर, डी में से ऊपर की ओर, बी में से ऊपर की ओर, और सी में से ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको अपवर्ड एरो दिखाने पड़ेंगे 2H से, जैसे मैंने दिखाया है, और यहाँ से आपको एक्स वाई के पैरेलल सी डैश डी डैश में से एक प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे चारों पॉइंट का मिलापक होगा, ठीक है, भरत मिलाप होगा, ए और ए डैश जाके देंगे पॉइंट ए देगा, ए डैश देगा, उसी लाइन में आपको बी डैश मिलेगा, ठीक है, ये बी डैश और बी जहाँ पे मिलते हैं वो पॉइंट बी डैश मिल जाएगा, फिर सी डैश ऊपर वाली लाइन में मिलेगा, और डी डैश उसके साथ में ही मिलेगा। देखिए अभी क्या करना है आपको, ए बी सी डी को जोड़ देना है, और ये फाइनल स्टेज खत्म हो जाएगा। ए से बी डैश को जोड़िए, बी डैश के सी डैश को जोड़िए, सी डैश से डी डैश को जोड़िए, और डी डैश के साथ ए डैश को जोड़िए, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।